आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है अंतागढ़ टेप कांड। 2014 में अंतागढ़ टेप कांड हुआ था और अंतागढ़ के तत्कालीन विधायक विक्रम उसेंडी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उपचुनाव में कांग्रेस ने मंतुराम पवार को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी की ओर से भोजराम नाग उम्मीदवार थे और आखिरी समय पर मंतुराम ने नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद दिसंबर 2015 में फिरोज सिद्दीकी का फोन कॉल वायरल हुआ था और टेप कांड में पूर्व सीएम अजीत जोगी का नाम सामने आया था। पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का भी इसमें नाम आया था और पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद यानी पुनीत गुप्ता का भी नाम इस पूरे कांड में सामने आया था। 6 नवंबर 2017 को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद 28 जनवरी 2019 को भूपेश सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। 3 जनवरी 2019 को टेप कांड मामले में एफआईआर हुई और उसके बाद कांग्रेस नेता किरणमयी नायक ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी इस पूरे मामले में। उसके बाद पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व सीएम के बेटे अमित जोगी, पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूनत और नाम वापस लेने वाले पूर्व कांग्रेस नेता मंतुराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।